नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो आज हम सीखेंगे HP जो G4 लैपटॉप होता है, इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप का ये G4 है, ठीक है। जी सीरीज का है ये, MD वर्जन, MD प्रोसेसर लगा है इस पर। तो इसको कैसे आप ओपन करेंगे, कैसे इसको डिसमेंटल करेंगे, ये आप आज ही आप सीखेंगे। कोई अगर आपको पार्ट बदलना है, जैसे कीबोर्ड बदलना है या फिर हार्ड डिस्क चेंज करनी है, रैम कुछ भी चेंज करनी है, तो इसको आप कैसे खोलेंगे आज हम इसे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बैटरी को हम निकाल लेते हैं, साइड में रख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ स्क्रू लगे मिल जाएंगे आपको, एक ये यहाँ पे ये स्क्रू और ये, इन दोनों को हमको खोलना है सबसे पहले। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम, और ये ओपन हो गया हमारा, अब ये ठीक है। इसको भी साइड में रख लेते हैं। फिर सावधानी के साथ ये जो आपकी हार्ड डिस्क लगी है, इसको बहुत आसानी से आराम से निकालेंगे, नहीं तो ये बहुत महंगी चीज़ है, अगर ये गई तो लैपटॉप आपका पूरा ख़राब हो जाएगा, मतलब बहुत महंगा पड़ेगा आपको ये, इसको ख़राब करना, ठीक है। फिर यहाँ पर लगी होती है रैम, रैम को हम निकाल लेंगे यहाँ से, ये निकाल के रख लिया साइड में हमने। ये यहाँ पे ये वाईफाई लगाता है, वाईफाई को भी हम रिमूव कर लेंगे यहाँ से, अब ये हमारा वाईफाई यहाँ से, इसके कनेक्शन दोनों निकाल के हम, और वाईफाई को भी निकाल लेंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक जगह पर ये कीबोर्ड का सिंबल बना होगा, ठीक है। तो ये पेंच हमको ज़रूर खोलना है, क्योंकि तो ऐसे कीबोर्ड नहीं निकलेगा। तो ये अगर कीबोर्ड आपको खोलना है तो यहाँ से इसको आपको निकालना पड़ेगा, ये पेंच का आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पेंच हम खोल लेंगे, यहाँ से जब भी लैपटॉप आप खोलिए बहुत सावधानी के साथ खोलिए, कोई पेंच वगैरह मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो और दम बिल्कुल ना लगाएं इसमें, ज़ोर ज़बरदस्ती करके लैपटॉप को कभी ना खोलें, नहीं तो छोटी सी भी दिक्कत आपके लैपटॉप को नुकसान पहुंचा सकती है। जल्दबाजी ना करें, आराम से खोलें लैपटॉप को, और ये ध्यान रखें कि सब पेंचे जो हैं, जो आपके स्क्रू हैं, वो खुले होने चाहिए। ये ओके, ये हमारे सारे पेंच खोल चुके हैं। अब हमको खोलना कैसे, बहुत लोग ऊपर से इधर से खोल देते हैं, ठीक है। तो इसको इधर से नहीं खोलना, इसको ये ऊपर से खुलेगा, इसको खोलना कहाँ से है, यहाँ से। सबसे पहले तो हम कीबोर्ड रिमूव करेंगे, जो जो आपका कीबोर्ड लगा है यहाँ से ये सिस्टम खुलता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे खोलना है हमको, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे देखिए लॉक लगा होगा, जूम करिए यहाँ से, यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, इसको ऐसे हम धक्का लगाएंगे ऐसे करके, ये लॉक से ऐसे इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये लॉक को हम दबाते जाएंगे, यहाँ पे कई सारे लॉक लगे होंगे, उनको ऐसे करके जी। तो इस प्रकार अगर आपको कीबोर्ड चेंज करना है तो आप जाके वहाँ पे कीबोर्ड का बटन, वो जो स्क्रू लगा होता है, उसको निकाल के इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसको ऐसे हम पलट लेंगे, यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ आपको ये पट्टा निकालना पड़ेगा, अगर पट्टा गया या कीबोर्ड ज़्यादा दम लगाया तो वो कीबोर्ड ख़राब होता है, ठीक है। अब इसको भी साइड रख लेते हैं हम। अब इसको खोलने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये यहाँ पे जो आपके कुछ दिए हुए हैं पट्टे, इनको निकालेंगे,
ये जैसे चार्जिंग का पट्टा है, ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए जो कीपैड, ये जो हमारा टच पैड है, इसके दो पट्टे हैं, इनको हम निकालेंगे ऐसे ओपन करके, इनको ऐसे बहुत ही सावधानी के साथ निकालेंगे। अगर पट्टा टूटा तो काफ़ी महंगा पड़ सकता है आपको, तो इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ निकालेंगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। ठीक है, ये ओपन हो गया आपका। अब यहाँ से साइड से हम इसको उखाड़ना शुरू करेंगे ऐसे। जी अगर कोई पेंच लगा रह गया है शायद, नहीं हाँ जी, यहाँ पे एक पेंच लगा हुआ है। अभी इस तरह हमारा पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पावर स्विच का पट्टा लगा होता है, ये इसको हमको आसानी से रिमूव कर लेना है, नहीं तो ये उखड़ सकता है। जी ये हमने निकाल लिया, अब ये पैनल साइड में रख सकते हैं। अब हमारा ये बोर्ड पूरा ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बोर्ड को ओपन करके कोई पार्ट चेंज करना है या कुछ आपको लैपटॉप की सफाई करनी है तो आप कर सकते हैं। अब अगर आपको बोर्ड निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका है, ये यहाँ पे जो लगा है पेंच, ये यहाँ पे जो पेंच लगा है इसको निकालेंगे, और ये डिस्प्ले पट्टा इसको निकाल देंगे, और यहाँ से ये निकालेंगे, बस आपका ये जो बोर्ड होगा वो निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।